हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में क्लास टेंथ के विज्ञान चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का वीडियो हम बना चुके हैं। अगर अभी तक आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देखें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, क्योंकि आप अगर चाहते हैं कि 2025 में मैट्रिक के एग्ज़ाम में अगर बेहतर से बेहतर रिजल्ट प्राप्त करें तो उन सभी वीडियो को आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि उन्हीं सब वीडियो से एग्ज़ाम में प्रश्न छपने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग पहले का वीडियो हम लोग जान चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कार्बन का बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कार्बन का कितना होता है, वो 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 होता है। तो इस तरह से यानी कि यहाँ बीच में कार्बन लिखे हैं और दोनों साइड में हम ऑक्सीजन लगाए हैं, ठीक है। और इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में लगाए हैं, और ये साझा करके क्या बना रहा है? एक यौगिक बना रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने, यानी S8, कितना दोस्तों? S8 परमाणुओं से बने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16। तो इसमें बाहर का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो आइए जानते हैं, सबसे अंदर में 2 होगा, इसके बाद में 8 होगा, और कितना बच जाएगा? 2, 8, 10 और 6 बचेगा। तो सल्फर के बाह्य इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। तो ये सभी सल्फर यानी 8 सल्फर लिए हैं और सभी सल्फर के चारों ओर 6-6 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं, और एक सल्फर दूसरे सल्फर से 2-2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कितना बना देगा? अष्टक अपना पूरा कर लेगा। यानी कि ये जो सल्फर है, इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करेगा, नीचे वाला से लेकर के और ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इसी तरह से ये प्रक्रिया जो 8 जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर से लेकर के अपना इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेगा, यानी अष्टक पूरा कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पेज नंबर 76 से। पेज नंबर 76 में पहला क्वेश्चन है कि पेंटेन के लिए कितने संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। तो उत्तर है कि पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि पेंटेन का सूत्र क्या होता है, तो C5 होता है, और H कितना होता है? H12 होता है। इसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, यानी कि C यहाँ 5 को लिए हैं और चारों तरफ HH लगा देंगे। तो पहला समावयव हो गया CCC, लिख करके चारों तरफ H लगा देंगे। दूसरा है कि यहाँ पे C3 को लिखे हैं और एक सी नीचे लगाए हैं और एक सी यहाँ पे ऊपर लगाए हैं, ओके, और चारों तरफ एच लगा देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसको नाम दिए हैं नियो पेंटेन। एक और तरह से लिख सकते हैं कि सी यहाँ 4 को लिए हैं, ठीक है, और इस सी में एक सी जोड़ दिए हैं और चारों तरफ HH लिख दिए हैं, तो इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन, ओके। तो पेंटेन को 3 तरह से हम संरचना सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों के विशाल संख्या दिखाई देती है। तो इसका आंसर है कि कार्बन के 2 गुणधर्म निम्न हैं जिनके कारण चारों ओर कार्बन यौगिकों का विशाल संख्या दिखाई देता है। पहला है श्रृंखलन। श्रृंखलन में क्या होता है कि कार्बन में कार्बन के साथ यानी दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। दूसरा है कि कार्बन की चतुष संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा आप, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? वो 4 होता है, यानी कि बाहर में उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है। इसके 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के आबंध बनाने की क्षमता होती है, यानी कि ये सी जो है इसके चारों तरफ 4 बिंदु लगा देंगे और ये चारों ओर एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से ले करके और अपना अष्टक पूरा कर लेगा, यानी कि आबंध बना देगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका क्या होगा? तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र जो होता है वो C5 होता है और एच कितना होता है? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 होता है, यानी एच इसमें 10 होता है। और साइक्लोपेंटेन का मतलब क्या हो जाएगा कि एक चक्र जैसा रहेगा, यानी कि यहाँ सी होगा, यहाँ सी होगा, इस तरह से C5 को लगा देंगे और सी के चारों ओर चार चार इलेक्ट्रॉन रहेगा और एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा हाइड्रोजन से लेकर के अपना अष्टक को पूरा करेगा, यानी इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर है कि निम्न यौगिकों की संरचना चित्रित करना है। पहला है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना है आपको CH3COOH होता है एथेनोइक अम्ल का। तो यहाँ पे CC दो गो है, यानी एक C यहाँ से ले लिए हैं और एक C इधर से ले लिए हैं, तो CC यहाँ से दो गो हो जाएगा और चारों तरफ क्या लगा देंगे, इसके इस C के चारों तरफ HH लगा देंगे और इसके बगल में जो डबल O है उसके डबल बॉन्ड के साथ में क्या हो जाएगा, O हो जाएगा और एक OH जो बचेगा इधर लगा दिया राइट साइड में। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H11Br। तो यहाँ C5 को लिए हैं, H चारों तरफ लगा दिए हैं और यहाँ पे Br लगा दिए हैं, इस तरह से इसका संरचना सूत्र कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का सूत्र क्या होता है? C2H5COCH3। ध्यान में रखना है आपको, तो C यहाँ पे कितना हो जाएगा, C यहाँ पे 2 और इधर हो जाएगा 2, तो टोटल C कितना रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 को C लिए यहाँ पे और इस 2 को C के चारों ओर HH लगा दिए हैं, डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे O लगाए हैं और इस C के चारों ओर H लगा दिए हैं, तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेक्सेनल। हेक्सेनल और इसी में एक और क्वेश्चन है कि क्या ब्रोमोपेंटेन के संरचनात्मक समवयव संभव है? अगर हाँ तो उसको लिखना है आपको। ठीक है, तो हेक्सेनल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हेक्सेनल का सूत्र होगा C5H11CHO होगा। ठीक है, तो C5 यहाँ लिखे हैं और H11 और इसमें O जो है इसे डबल बॉन्ड के साथ लग गया है और इसमें एक H लग गया है लास्ट में। ठीक है, तो ये सूत्र जो होगा, ये संरचना सूत्र जो होगा हेक्सेनल का सूत्र होगा और ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक समवयव संभव है जो इस प्रकार से है। तो ब्रोमोपेंटेन का संरचनात्मक समवयव जो होगा, पहला होगा 1-bromopentane, यानी फर्स्ट C में ब्रोमो लग गया है, Br लग गया है, ब्रोमिन लग गया है, तो फर्स्ट ब्रोमोपेंटेन होगा। यहाँ पे देखिए सेकेंड C में राइट साइड से गिनना है हमको, सेकेंड C में ब्रोमो लगा है, Br लगा है, यानी कि ब्रोमिन लगा है, तो सेकेंड ब्रोमोपेंटेन होगा। और राइट साइड से ही तीसरे C में यहाँ पे Br लगा है, यानी कि ब्रोमिन लगा है, तो क्या होगा, थर्ड ब्रोमोपेंटेन होगा। तो इसका संरचनात्मक समवयव संभव है, तीन प्रकार से इसका लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न यौगिकों के नामकरण आप कैसे करेंगे? दोस्तों नामकरण करने के लिए हमें 10 को एल्केन, एल्काइन और एल्किन का समूह याद करना पड़ता है। जैसे कि एल्केन ग्रुप का जो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 5 नंबर में पेंटेन आएगा, फिर 6 नंबर में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, 10 गो एल्केन ग्रुप का नाम याद करना है, 10 गो इसी तरह से एल्काइन ग्रुप का, यानी कि एल्काइन में क्या हो जाएगा, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन, डेकाइन। एल्किन में क्या हो जाएगा, एल्किन ग्रुप में हो जाएगा मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटिन, पेंटिन, हेक्सिन, हेप्टिन, ऑक्टिन, नॉनिन, डेकिन। इसी तरह से पूरा जो है प्रकारात्मक समूह जितने भी होते हैं सबका अलग अलग नामकरण हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला लिखा है, यानी कि 2 गो सी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 2 गो सी, यानी मीथेन में एक सी होता है और इथेन में डबल सी होता है, तो डबल सी यानी कि एथेन होगा और लास्ट में क्या लगा है, ब्रोमिन लगा है, यानी Br लगा है, तो ब्रोमो एथेन इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सी एक है और एच दो है और डबल बॉन्ड के साथ में ओ है, तो ये एल्डिहाइड समूह का ये ग्रुप है। एल्डिहाइड में क्या होता है कि लास्ट में अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अल, तो नल में क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, और सी एक है तो मिथ हो जाएगा, और मिथ में नल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सी कितना है इसमें, लास्ट में देखना है सी कितना है। ये टोटल सी जो है वो कितना है, तीन तीन छः है ना, तो छः है और ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, आयन करके, यानी कि एल्काइन ग्रुप का ये समूह है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो छः है, सी कितना है छः, सी छः है, तो छः नंबर में क्या आता है, हेक्साइन आता है। पाँच नंबर में पेंटेन आता है, तो छः नंबर में हेक्सेन हो जाएगा, और हेक्सेन में क्या लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए आयन करके लगाना है, तो हेक्साइन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा टिपिकल लगेगा लेकिन आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे, अगर आप डिटेल इसका पढ़ते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और ये क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 79 से, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर है कि क्षारकीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसे अभिक्रिया के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिए हैं CH3CH2OH यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, OH लगा हुआ है तो ऑल करके बोलेंगे एथेनॉल। ठीक है, तो एथेनॉल को अगर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अगर उष्मा देते हैं तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल, यानी कि इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है, इसमें ऑक्सीजन कितना था, एक था, और यहाँ से ऑक्सीजन एक लेकर के इसमें हो गया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 2, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण के दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है, क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है, 21% होता है, अतः ऑक्सीजन की सीमित यानी कि कम आपूर्ति के कारण एथाइन का पूरा दहन नहीं हो पाता, जिसके कारण काले रंग का ज्वाला यानी कजली ज्वाला निकलेगी तथा कम ऊष्मा निकलेगी जो कि वेल्डिंग के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ पूर्ण दहन होता है और स्वच्छ ज्वाला निकलता है जो वेल्डिंग के लिए क्या है, उपयुक्त तो होगा। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण के दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 83 से क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक एक करके एक एक चुटकी जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से यदि रंगहीन स्वादहीन गैस के साथ तेजी से बुदबुदाहट होती है तो यह कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, यानी कि इस आधार पर हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है और कौन सा अल्कोहल है। यदि कोई बदलाव नहीं होगा तो क्या होगा, वो अल्कोहल होगा। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका 2, ऑक्सीकारक क्या है। तो ऑक्सीकारक जो होता है वे पदार्थ होता है जो हाइड्रोजन को हटा करके ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 85 से, ठीक है, क्या आप डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो कठोर जल और मृदु जल दोनों जल के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर झाग बना लेता है, इसीलिए हम नहीं बता सकते हैं कि कोई भी जल या तो कठोर है या मृदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं या डंडे से पीटते हैं या ब्रश से रगड़ते हैं या वॉशिंग मशीन से कपड़े को रगड़े जाते हैं, तो कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की क्यों आवश्यकता
होती है या पिटने की क्यों आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसका उत्तर जानते हैं। कार्बन के अणु लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है, जिसे हम लोग साबुन कहते हैं। और साबुन का आयनिक भाग जो होता है वो जल में घुल जाता है, जिसे जलरागी कहते हैं, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल में घुल जाती है। जब कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं या वॉशिंग मशीन में धोते हैं तो तेल या मैल जो होता है जल के साथ बाहर चला जाता है, और ये इस प्रकार कपड़ा जो होता है वो साफ हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ हम अभ्यास के प्रश्न का वीडियो बनाने के बाद मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।